मिड ब्रेन, नेक्स्ट इज मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो देखते हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं यहां पे इस फिगर में हम डायग्राम में बनाए हैं, तो यहां पर देखिए एक ब्रेन का अगर देखते हैं तो ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना दिए हैं, ठीक है, ये सेरिब्रम है ये वाला, ये क्या है, दिस इज सेरिब्रम। ये जो नीचे जो देख रहे हैं ये वाला रीजन, दिस रीजन, तो दिस रीजन यहां से यहां यही है मिड ब्रेन। ये क्या है, तो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ये और ये क्या है, दिस इज मिड ब्रेन, ठीक है दोनों। ये जो नीचे जो देख रहे हैं ये दिस रीजन, यहां से लेकर यहां तक, इसको आप कह सकते हैं दिस इज पॉन्स, तो ये पॉन्स, ठीक है। ये जो रीजन देख रहे हैं इसके नीचे यहां पर हम इसको लिख दिए मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो मेडुला कह सकते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये जो नीचे जो देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, क्या कहते हैं, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए और भी अगर कहेंगे सेरिब्रम भी तो होता है, तो सेरिब्रम जो देखेंगे इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है, जिस तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसी तरह दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर, तो उसको अगर दिखाएंगे ना तो ये देखिए इसके चारों ऐसे ऐसे इस तरह से दिखता है, ऐसे इस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ये देख रहे हैं इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, दिस इज सेरिब्रम, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो सारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन हम दिखा दिए पहले तो, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये हम बता रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन कहां पर प्रेजेंट है, ये फॉरब्रेन को अटैच कर रहा है और नीचे किसको कर रहा है, हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट है, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, तीनों है ना हाइंड ब्रेन। तो ये हाइंड ब्रेन और ऊपर किसको कर रहा है, फॉरब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि इट इज लोकेटेड बिटवीन फॉरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। लेकिन फॉरब्रेन में कौन सा, ऊपर यहां पर सेरिब्रम के बगल में नीचे डाइनसेफेलॉन पढ़ेंगे, थैलमस और हाइपोथैलमस, उसके और नीचे कौन सा है, पॉन्स के बीच में है, देख रहे हैं पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं, पॉन्स के बीच में। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या, मिड ब्रेन इट इज लोकेटेड वेयर, तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं, इट इज लोकेटेड, यहां लिख दे रहे हैं, इट इज लोकेटेड बिटवीन, बिटवीन कहां पर, थैलमस और हाइपोथैलमस ऑफ किसके, कौन सा ब्रेन, फॉरब्रेन, ठीक है। तो थैलमस और हाइपोथैलमस ऑफ फॉरब्रेन, और ये किसको जोड़ रहा है, ये नीचे पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है, एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, देख रहे हैं। तो ये ब्रेन को जोड़ रहा है, दो पार्ट के ब्रेन को, कौन कौन सा, तो यहां पर अंडरलाइन कर देना, थैलमस एंड हाइपोथैलमस ऑफ फॉरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन को जोड़ रहा है, पहला तो ये देखने को मिला। दूसरा, ये दो डायग्राम बनाए हैं और नीचे भी बनाए हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं ये दिस इज डॉर्सल व्यू, डॉर्सल व्यू, तो डॉर्सल कहने का मतलब ये हो गया, और ये हम दिखाना चाह रहे हैं वेंट्रल व्यू, ठीक है, वेंट्रल व्यू कैसा दिखेगा, डॉर्सल और वेंट्रल, ये क्या है आगे है ना, आगे इसको वेंट्रल, तो वेंट्रल इज क्या, फ्रंट और एंटीरियर भी कह सकते हैं। डॉर्सल क्या हो गया, पीछे, तो पोस्टीरियर और बैक आप कह सकते हैं। तो देख रहे हैं इस तरह व्यू देख रहे हैं। तो मिड ब्रेन को अगर हम देखेंगे, किसको देखेंगे, हमें तो मिड ब्रेन देखना है, ठीक है। तो मिड ब्रेन को हम ये वेंट्रल देखेंगे, मतलब आगे देखेंगे तो कैसा दिखे, क्या दिखेगा, और पीछे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम पीछे देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, पीछे, तो पीछे देखेंगे तो यहां पर क्या दिखेगा, यहां पर चार राउंड स्वेलिंग्स दिखते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे स्वेलिंग्स दिखेगा, कितने स्वेलिंग्स हैं, चार, दो बड़े ऊपर और दो इसके नीचे छोटे, तो फोर राउंड स्वेलिंग्स दिखेगा कहां पर, ऑन डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए फिगर बना रहे हैं ताकि याद रहे आपको, ऑन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन इज प्रेजेंट फोर राउंड स्वेलिंग्स एंड दैट राउंड स्वेलिंग्स इज नोन एज क्या, उसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, अभी हम लिखेंगे कॉर्पोरा
QUADRI, क्वाड्री जेमिना, GEMIN ने जेमिना, ठीक है। तो ये कहेंगे ये कहां देख रहे हैं, डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में, ठीक है। उसी तरह वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन देखेंगे, कहां देखेंगे, वेंट्रल। तो ये वेंट्रल है ना, ये वाला, ये वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन देख रहे हैं। तो यहां पर क्या देखेंगे, ये देखिए कुछ व्हाइट फाइबर्स के ट्रैक्ट देख रहे हैं, बंच में जा रहा है ना इस तरह से। तो व्हाइट फाइबर के कुछ क्या देख रहे हैं हम, ट्रैक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि व्हाइट नर्व फाइबर के ट्रैक्ट देख रहे हैं, इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो व्हाइट नर्व फाइबर्स के ट्रैक्ट हैं, इसी को हम कह रहे हैं क्रूरा सेरिब्री और सेरिब्रल पेडंकल भी कह सकते हैं, सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। तो ये दिखेगा कहां पर, वेंट्रल साइड में। ये ध्यान देना है कि वेंट्रल में हमें क्या दिखाई देगा, फ्रंट में, एंटीरियर में और डोर्सल में क्या दिखाई देगा, बैक में, ठीक है। ये तो ये अलग अलग फिगर हम दिखाएं, लेकिन हमें एक फिगर में दिखा दिए हैं इस तरह से कि अगर हम क्या देखेंगे, अगर हम देखते हैं डोर्सल व्यू, डोर्सल, डोर्सल मतलब पोस्टीरियर भी कह सकते हैं, पीछे हम लोग का वेंट्रल है, ये डोर्सल है ना, पीछे और बैक। और इधर देख रहे हैं वेंट्रल व्यू देख रहे हैं, वेंट्रल मतलब आगे, एंटीरियर व्यू। तो वही सेम चीज है, इसको डायग्राम याद रखने के लिए आपको हम डायग्राम बना दिए हैं दो। तो यहां पर ऊपर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहां पर, तो यहां पर देख रहे हैं डोर्सल व्यू में क्या देख रहे हैं, फोर इस तरह के राउंड स्वेलिंग्स देख रहे थे। तो ये लीजिए इस तरह से फोर राउंड स्वेलिंग्स बना दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ये अंडरस्टूड है, दिस इज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना यही तो है, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। और नीचे जो देख रहे हैं, नीचे, तो नीचे कौन सा हो गया, वेंट्रल है ना, तो वेंट्रल साइड में हम क्या देखते हैं, ये यही है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, तो ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं हम, तो ये इस तरह से बना दे रहे हैं। यही क्या, इसको क्या कहते थे हम, इसी को क्या कहते थे, दैट इज नोन एज क्या, क्रूरा सेरिब्री। तो इसी को हम कहते थे क्रूरा सेरिब्री, ठीक है, क्या है, क्रूरा सेरिब्री है यही। और इसी को क्या कहते थे, क्रूरा सेरिब्री को, इसी को सेरिब्रल, सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। तो मेन आपको दो ही चीज फिगर इतना तो याद रखना है, क्या है बस समझने के लिए, डोर्सल साइड में हमको क्या मिलेगा, पोस्टीरियर साइड में वो मिलेगा कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना फोर राउंड स्वेलिंग्स, और वेंट्रल साइड में क्या मिलेगा, क्रूरा सेरिब्री, बस इतना याद रखना है, इतना बताने का मतलब, ठीक है। अब आगे इसके बीच में अगर काट कर देख रहे, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका है ये, दिस इज व्हाट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का ये क्या बनाया है हम, ये दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन जब देख रहे हैं तो ये क्या है, इस तरह का देख रहा है, ठीक है। इसी के बीच में, ठीक है, एक कनाल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कनाल। तो मिड ब्रेन के बीच से कनाल पास होता है और इस कनाल को कहते हैं क्या, दिस कनाल इज नोन एज, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, AQUDUCT, क्या कहते हैं इसको, सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी को ईटर भी कहते हैं और इसी को एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने देखा, इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये कनाल होता है, ठीक है, ए कनाल कॉल्ड, लिख लीजिए, ए कनाल कॉल्ड, कॉल्ड कौन सा है, दैट इज सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और इसी को हम ईटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईटर भी कहते हैं, ITER, ईटर। और इसी को एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, SYLVIUS, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इसी को क्या कहते हैं, इसी को ईटर भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। तो एक कनाल कॉल्ड कॉल्ड सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ईटर और एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस पासेस थ्रू, थ्रू कौन सा ब्रेन, फॉरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है। तो
पासेस थ्रू मिड ब्रेन। तो ये याद रखना है कि मिड ब्रेन से ये क्या है, पास कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और हम बता चुके हैं ये क्या होता है, ये जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, ठीक है, ये किसको कनेक्ट करता है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट इटर, इट कनेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, बता चुके हैं। तो ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। थर्ड वेंट्रिकल क्या है, तो थर्ड वेंट्रिकल इज वेंट्रिकल ऑफ डायोसील, दैट इज डायन्सिफलॉन, दैट इज डायोसील, एंड फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में जो वेंट्रिकल है मेटासील, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ये कनेक्ट करता है, बता चुके हैं सब। नेक्स्ट, अब इसके कितने पार्ट्स हैं इसमें, ये इसके दो पार्ट्स हम बताए थे, उसको लिख ले, ठीक है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, तो दो पार्ट्स जो देख रहे हैं, एक पार्ट्स इसको कहते हैं कौन सा, डोर्सल पार्ट, और एक वेंट्रल पार्ट, यही है ना। तो ये देखिए, ये तो इसके दो पार्ट देख रहे हैं, एक डोर्सल, एक ये डोर्सल पार्ट में क्या दिखते थे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजे में ना, तो कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, और दूसरा पार्ट जो है उसको क्या कहते थे, सेरिब्रल पेडंकल और क्रूरा सेरिब्री, ठीक है, और सेरिब्रल पेडंकल, इसी को क्या कहते थे, सेरिब्रल पेडंकल, यही तो देखे थे। तो इसके दो पार्ट, ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, ठीक है, तो ये पार्ट, दो पार्ट हो गया। तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज कह चुके हैं, दिस इज विच पार्ट, डोर्सल पोर्शन ऑफ, दिस इज डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज अ डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, लेकिन ये क्या यहां पर देख रहे हैं, मेनली ये वेंट्रल पार्ट में है, तो ये कह सकते हैं इट इज वेंट्रल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में देखने को मिलता है, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कितने लोब के बने हैं, फोर लोब्स के बने हैं, ठीक है, ये फोर लोब्स के बने हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ फोर लोब्स। तो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो कह सकते हैं, इट हैज फोर राउंड स्वेलिंग्स, फोर राउंड स्वेलिंग्स होते हैं, ठीक है, फोर राउंड स्वेलिंग और गोल सा लोब, फोर राउंड स्वेलिंग लोब होता है इसमें, और ये फोर राउंड स्वेलिंग लोब है, तो क्या कहते हैं, तो दो को कहते हैं सुपीरियर, सुपीरियर और इसको कहते हैं इंफीरियर, ठीक है, तो इसको कहते हैं सुपीरियर और इसको इंफीरियर। तो सुपीरियर क्या है, तो सुपीरियर इज व्हाट, कॉलिक्यूलाई, COLLI CULI, कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर COLLI CULI, कॉलिक्यूलाई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, फोर राउंड स्वेलिंग्स जो होता है, चार राउंड स्वेलिंग्स, उसको दो कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, या दो को क्या कहते हैं, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ये क्या होता है, ये कह सकते हैं ये ऊपर होता है, लार्ज अपर लार्ज, ठीक है, एंड वन पेयर वन पी, ठीक है, और ये क्या होता है, इसके लोअर, ठीक है, और स्मॉल होता है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए, और ये वन पेयर। अब ये देखिए सुपीरियर, ठीक है, ये सुपीरियर है और ये पोजीशन में है, ऊपर है और ये नीचे है, इसीलिए इंफीरियर, ठीक है। दूसरा, इनका काम क्या होता है ये, ठीक है, इनका काम क्या है, तो ये देखेंगे क्या कि जो भी कोई भी सेंसरी इंपल्स है, ठीक है, यहां देखिए कोई भी सेंसरी इंपल्स नीचे से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, तो ये नीचे से आ रहा है जो भी सेंसरी इंपल्स वगैरह है, ठीक है, तो ये सेंसरी इंपल्सेस जो होगा ये कहां से आता है, कहां से मतलब अटैच्ड है, ये कह सकते हैं कि सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम आई से और हेड ऑफ मसल्स से है। तो कह सकते हैं क्या, इट रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस, ये वाला है ना ये पोर्शन, तो ये पोर्शन कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, आई से और हेड ऑफ मसल से सेंसरी इंपल्स ये रिसीव करता है, ठीक है, और ये विजुअल रिफ्लेक्स में हेल्प करता है, कौन सा, सुपीरियर। लेकिन इंफीरियर वाला क्या है, नीचे है ना, ये कहां से सेंसरी इंपल्स रिसीव करता है, इट रिसीव्स सेंसरी इंपल्स फ्रॉम ईयर एंड मसल्स ऑफ हेड एंड कंट्रोल्स क्या,
ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ऊपर वाला याद रखेगा सुपीरियर कॉलिकलाई क्या कर रहा है, ये सुपीरियर है, ये विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सेंसरी इंपल्स कहां से मिलता है, आई से और हेड के मसल से। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो है वो क्या है, कहां से सेंसरी इंपल्स रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है कहां से, ईयर से और हेड के मसल से, और ये कौन सा रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा है, ऑडिटरी। ठीक है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम क्या हो गया, इसका काम क्या है, ऑडियो ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर लिख लेते हैं ये चीज, ये होता है और ये अपर लार्ज होता है, इट रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम कहां पर, आई एंड हेड मसल्स। ठीक है, आई एंड हेड मसल्स। ठीक है, एंड कंट्रोल्स व्हाट, एंड कंट्रोल्स इसको कहते हैं कौन सा, विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये किस तरह का रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है, विजुअल रिफ्लेक्स को। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इट रिसीव्स, इंफीरियर है ना, रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम आई नहीं, ईयर एंड हेड मसल्स। तो ये ध्यान में रखना है कि कहां से हो रहा है। ठीक है, तो ये कहां से, आई और हेड मसल से, ये ईयर और हेड मसल से, और ये क्या कंट्रोल करेगा, तो ईयर से है तो ये क्या करेगा, ये विजुअल रिफ्लेक्स था तो ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज टू कंट्रोल ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, ये करना, क्या है ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स, व्हाट इज विजुअल रिफ्लेक्स क्या है, और ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या है। ठीक है, सपोज करिए कि हम खड़े हैं और उधर से कोई कोई भी चीज ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लीजिए कोई प्रिड बर्ड आ रही है, बड़ी से बर्ड आ रहा है। ठीक है, बर्ड आ रहा है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने क्या किया, हम देखे और जैसे ही देखें और फिर क्या हुआ, अपना हेड को हटा लिए ना, तो ये क्या हुआ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्या, विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स में कौन हेल्प कर रहा है, यही हेल्प कर रहा है, दैट इज सुपीरियर। ठीक है, दूसरा इसका ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या है, हम जा रहे हैं ऐसे चल रहे हैं और पीछे से यहां बगल से क्या हुआ, हॉर्न बहुत जोर से पों बोला, आवाज बोला, हॉर्न बहुत तेज से आया, तो हम क्या करेंगे, मुड़ के देखेंगे अरे क्या है। तो ये क्या है, इसमें किसका रोल है, इन्फीरियर कॉलिकुलाई का रोल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसे भी याद रखिएगा ना, अब कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि सुपीरियर ईयर में था कि आई में था, कि इन्फीरियर ईयर में था कि आई को मसल्स को दे रहा है, तो ऐसे याद रखिए, आई क्या है, ऊपर है, और ये नोज क्या है, थोड़ा नीचे है ना, इन्फीरियर है। ठीक है, तो आई जो है, आई में कौन सा, सुपीरियर कॉलिकुलाई, आई में सेंसरी इंपल्स देता है और इन्फीरियर थोड़ा नीचे है, तो ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान देना तो ऐसे बनाना है, तो और ध्यान देना तो ये लीजिए, आई बना लीजिए ऐसे, ये आई है। ठीक है, दिस इज व्हाट, आई, और नीचे क्या है, ये कान है, तो यहां पर लीजिए कान बना दिए हम, ये क्या हुआ, ईयर। ठीक है, ये कान में कुछ रिंग पहना हुआ है, हो गया ना। तो याद रखने के लिए सुपीरियर आई में जाएगा, इन्फीरियर कहां जाएगा, इट विल गो टू ईयर। ठीक है, आगे ये देख रहे हैं कि वेंट्रल पोर्शन जो है, तो वेंट्रल पोर्शन जो है ऑफ मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दैट इज सेरेब्रल पेडंकल कह सकते हैं ये। तो ये कर क्या रहा है, आप बताइए खुद, ये क्या कर रहा है, इस फिगर से देखने से क्या लग रहा है, इट कनेक्ट्स, ऊपर कौन सा है, फोर ब्रेन, और नीचे कौन सा है, हाइंड ब्रेन है ना, तो ये फॉरब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या कर रहा है, एक कनेक्शन कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में तो कह सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज व्हाइट नर्व फाइबर्स, इट इज व्हाइट नर्व फाइबर्स का ट्रैक्ट है। क्या है, व्हाइट नर्व फाइबर का ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज ट्रैक्ट। ठीक है, ट्रैक्ट, तो ट्रैक्ट क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि अगर
अगर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ साइटोन हो, सेल बॉडी है ना, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी हो तो उसको हम कहते हैं इट इज नोन एज न्यूक्लियाई, सीएनएस में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, सॉरी, ग्रुप ऑफ साइटोन इन सीएनएस इज नोन एज, उसको न्यूक्लियाई कहेंगे। लेकिन बंडल्स ऑफ क्या हो, एक्सन, तो देख रहे हैं बंडल्स ऑफ एक्सन अगर हो इन सीएनएस तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज व्हाइट नर्व फाइबर्स ट्रैक्ट, ठीक है, किसके बीच में है, बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, तो ये कह सकते हैं हाइंड ब्रेन एंड, हाइंड ब्रेन एंड कौन सा ब्रेन, ऊपर फॉर ब्रेन, ठीक है। तो ये देखिए हाइंड ब्रेन, और तो चाहे ऐसे भी कह सकते हैं इट इज अ व्हाइट नर्व फाइबर्स ट्रैक्ट दैट कनेक्ट्स, ट्रैक्ट दैट कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन एंड फॉर ब्रेन, ठीक है। तो इट इज अ ट्रैक्ट दैट कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन एंड फॉर ब्रेन। तो इस फिगर में देखिए कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए बनाए थे। अच्छा, ये कनेक्ट कर रहा है, इट व्हाइट नर्व फाइबर ट्रैक्ट है जो कि कनेक्ट कर रहा है हाइंड ब्रेन को दिस। अच्छा, ये करेगा क्या, ये तो कोई भी सेंसरी है, चाहे कोई भी मोटर इंपल्स है, उसको क्या है, हाइंड ब्रेन से फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन से हाइंड ब्रेन थ्रू पॉन्स मिड ब्रेन ले जाएगा ना, यही ले जाएगा। तो इसका क्या करता है ये, इट रिलीज सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस, यही लेकर जाता है बिटवीन किसके, बिटवीन फॉर ब्रेन एंड एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये देख रहे हैं जो भी है सेंसरी और मोटर इंपल्स है, फॉर ब्रेन से हाइंड ब्रेन ले जाना है, लेकिन किसके थ्रू ले जाएगा, थ्रू मिड ब्रेन, तो यही ले जाएगा, ले आएगा, ठीक है। ये अच्छा, ये एक चीज और याद रख सकते हैं, ये क्या करता है, जो लिम्ब मसल्स होते हैं ना उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कोई भी मसल टोन, मस्कुलर टोन है वगैरह है, इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इट कंट्रोल्स लिम्ब्स मसल, ठीक है। तो ये लिम्ब्स के मसल को ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इट कंट्रोल्स व्हाट, लिम्ब्स मसल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दिस इज अबाउट मिड ब्रेन। एक चीज और अभी लिखेंगे कि मिड ब्रेन में ही क्या होता है, ठीक है, मिड ब्रेन में हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियाई ऑफ, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो न्यूक्लियाई क्या बताए थे, न्यूक्लियाई इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, साइटोन उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी साइटोन दैट इज न्यूक्लियाई एक प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में, और उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सबस्टेंटिया नाइग्रा। और वो सबस्टेंटिया नाइग्रा क्या करता है, वो सेक्रीट करता है डोपामीन, ठीक है। तो अभी लिख लेते हैं, ब्रेन जो है यहां पर लिख दे रहे हैं मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, इट हैज न्यूक्लियाई ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है। एक देखेंगे बेसल गैंग्लिया क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारा, बेसल गैंग्लिया एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है। लेकिन उसमें से एक न्यूक्लियाई जो होता है ना, वो सबस्टेंटिया नाइग्रा कहते हैं, वो कहां पर प्रेजेंट है, मिड ब्रेन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, दैट न्यूक्लियाई इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो एक न्यूक्लियाई होता है, और उस न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, उस न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, दैट न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज सबस्टेंटिया नाइग्रा, सबस्टेंटिया नाइग्रा, ठीक है। तो उस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं सबस्टेंटिया नाइग्रा कहते हैं, ठीक है। और ये सबस्टेंटिया नाइग्रा क्या होता है, दिस सबस्टेंटिया नाइग्रा जो है इट इज अ डार्क कलर्ड, कैसा होता है, ये डार्क कलर्ड होता है, नाइग्रा, नाइग्रा मतलब डार्क, तो डार्क कलर्ड न्यूक्लियाई है, ठीक है। दूसरा, और ये क्या सिक्रीट करता है, इसमें डोपामीन सिक्रीट करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डोपामीन सिक्रीट करने वाला न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्या सिक्रीट करेंगे,
ये सेक्रेट करेंगे डोपामिन, ठीक है। तो इट सेक्रेट्स डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ये सेक्रेट करते हैं? डोपामिन, ठीक है। और ये डोपामिन जो है क्या करता है? तो ये इट इनहिबिट्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे दो पॉइंट की, ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसको ये कर रहा है। तो डोपामिन सेक्रेटिंग सेक्रेटिंग जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट मिड ब्रेन में है उसका नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा बस सिंपली सबस्टेंटिया नाइग्रा, यही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सपोज करें सबस्टेंटिया नाइग्रा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या होगा? डोपामिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा ना, और डोपामिन का जब भी डेफिशिएंसी हो जाएगा ना तो डोपामिन क्या हो जाएगा? अगर डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो डोपामिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो डोपामिन का जब डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। तो इट विल लेड टू व्हाट? पार्किंसंस डिजीज ये कर देगा, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन,